नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञान की थड़ी में। RRB, ALP एंड टेक्निशियल एग्ज़ाम जो हुआ था 9 अगस्त का, उसका फर्स्ट शिफ्ट का, सेकंड शिफ्ट का और थर्ड शिफ्ट का पेपर आज हम डिस्कस करेंगे। किस तरह के क्वेश्चंस आए थे जीके के, तो आपको आइडिया रहेगा कि किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं और किस तरह के आपको क्वेश्चन पढ़ के जाने हैं। तो आइए शुरू करते हैं। जो पहला क्वेश्चन आया था वो है 18 मार्च 1900 को कौन सा दिन था, ठीक है, संडे, संडे था। अगला प्रश्न, मलेशिया की राजधानी पूछी थी, कुआलालंपुर मलेशिया की राजधानी है। अगला प्रश्न है पावर की यूनिट पूछी थी, पावर की यूनिट वाट होती है। अगला प्रश्न है विटामिन ई का केमिकल नाम पूछा गया था, टोकोफेरॉल विटामिन ई का केमिकल नाम है। अगला प्रश्न पूछा था हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है, 133वां स्थान भारत का है, ठीक है, साथ में हम आंसर भी बताते जा रहे हैं। अगला प्रश्न, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है, 81वां स्थान है भारत का। अगला प्रश्न है हाल ही में जुपिटर के कितने नए उपग्रह के बारे में पता चला है, 12 उपग्रहों के बारे में पता चला है। अगला प्रश्न आया था ट्रांसफार्मर किस पर काम करता है, एसी पर काम करता है ट्रांसफार्मर। अगला प्रश्न था एग्जाम वारियर्स बुक किसके द्वारा लिखी गई थी, नरेंद्र मोदी के द्वारा लिखी गई थी। अगला प्रश्न आया था ऑस्ट्रेलियन ओपन 2018 का खिताब किसने जीता था, रॉजर फेडरर ने यह खिताब जीता था। अगला प्रश्न है वर्तमान 2018 वित्त मंत्री का नाम बताइए, वर्तमान के वित्त मंत्री का नाम पूछा गया था पीयूष गोयल। नोबल साहित्य के सम्मान से सम्मानित साहित्यकार जो थे उनका नाम पूछा गया था, काजुओ, ये आपके सामने है नाम। अगला प्रश्न है नागालैंड के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, निपू रियो नागालैंड के मुख्यमंत्री हैं। सिक्किम के राज्यपाल का नाम पूछा था श्रीनिवास पाटिल, सिक्किम के राज्यपाल हैं। अगला प्रश्न पूछा था हीमोफीलिया बीमारी का वाहक कौन है, फीमेल जो होती है हीमोफीलिया बीमारी का वाहक होती है। अगला प्रश्न था बायोगैस में कौन सी गैस सबसे ज़्यादा निकलती है, मैथेन जो है सबसे ज़्यादा निकलती है, ठीक है। अगला प्रश्न, कैरोसिन तेल में किस धातु को रखते हैं, पोटेशियम और सोडियम को कैरोसिन तेल में रखा जाता है। यहाँ पर तीनों शिफ्ट के पेपर डिस्कस कर रहे हैं, 9 अगस्त का फर्स्ट सेकेंड और थर्ड तीनों शिफ्ट के क्वेश्चन बताएंगे। अगला प्रश्न है बैंक बोर्ड ब्यूरो के चेयरमैन कौन नियुक्त हुए थे, भानु प्रताप शर्मा जो है बैंक बोर्ड ब्यूरो के चेयरमैन नियुक्त किए गए थे। अगला प्रश्न पूछा गया था भारत की डीजल इंजन विनिर्माण इकाई डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहां पर है, वाराणसी में स्थापित है। अगला प्रश्न, गोवा को पुर्तगाल से कब आजाद करवाया गया था, 1964 में आजाद करवाया गया था। अगला प्रश्न है पादप के जाइलम का क्या कार्य होता है, जल का वहन करना इसका कार्य होता है। अगला प्रश्न, स्मार्ट कंपनी वीवो के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन है, आमिर खान जो है वीवो के नए ब्रांड एम्बेसडर घोषित किए गए। अगला प्रश्न, गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन सी गैस का के मिश्रण का यूज करते हैं, ऑक्सीजन और हीलियम का यूज करते हैं, ठीक है, सांस लेने के लिए। अगला प्रश्न, पॉन्ड सिल का उत्पादन कहाँ होता है, राजकोट अहमदाबाद में इसका उत्पादन, सॉरी राजकोट गुजरात में इसका उत्पादन किया जाता है। अगला प्रश्न, प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है, प्रोटीन का पाचन ट्रिप्सिन और पेप्सिन में किया जाता है। अगला प्रश्न है वर्तमान में भारतीय ओलंपिक अध्यक्ष कौन है, रामायण रामचंद्रन इसके वर्तमान में ओलंपिक के अध्यक्ष हैं। छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु के राज्यपाल का भी पूछा था क्या नाम है, रामगढ़ किशन मिशन की स्थापना किसने की थी, यह प्रश्न भी आया था। शिफ्ट से जो क्वेश्चंस आए थे वो थे इंडियन नेवी में पहली महिला पायलट कौन है, शुभांगी स्वरूप जो थी पहली महिला पायलट थी, उत्तर प्रदेश की थी ये इंडियन नेवी की। अगला प्रश्न आया था उत्तक क्या है, उत्तक कोशिकाओं का एक समूह होता है उत्तक, ठीक है। अगला प्रश्न, अम्ल राज का रासायनिक सूत्र बताइए, अम्ल राज का रासायनिक सूत्र 3HCl प्लस HNO3, ठीक है, इसका रासायनिक सूत्र है।
अगला प्रश्न है, लीवर में कौन सी विटामिन पाई जाती है? लीवर में विटामिन ए पाई जाती है, यह प्रश्न भी आया था। HCl की फुल फॉर्म पूछ ली थी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये फॉर्म भी पूछी गई थी। अगला प्रश्न है, अर्थ वायर किस कलर की होती है? अर्थ वायर जो होती है वो ग्रीन कलर की होती है, यह ध्यान रखें। इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी पूछे गए हैं एग्ज़ाम में, तो आप अच्छे से इन क्वेश्चंस को देखें और इसी के बेस्ड पे तैयारी करें। कौन सी ग्रंथि रक्तचाप को कंट्रोल करती है? एड्रिनल ग्रंथि जो होती है रक्तचाप को कंट्रोल करती है। सेल्ट का पीएच मान पूछा था जो होता है 7, सेल्ट का पीएच मान। अगला प्रश्न, डीएनए की खोज किसने की थी? जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक के द्वारा डीएनए की खोज की गई थी। रिपीट कर देती हूँ, जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक के द्वारा डीएनए की खोज 1953 में की गई थी। अगला प्रश्न है, एक्सरे की खोज किसने की थी? विल्हेम रॉन्टजेन ने एक्सरे की खोज की थी। अगला प्रश्न है, गोवर्धन योजना का संबंध किस राज्य से था? है हरियाणा से है। गोवर्धन योजनाओं से भी काफ़ी प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो योजनाओं को भी अच्छे से आप पढ़ें। अगला प्रश्न आया था, 2016 ओलंपिक कहाँ हुआ था? ब्राज़ील में 2016 का ओलंपिक आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न, किस मुख्यमंत्री के पिताजी महाराज थे? वसुंधरा राजे जो राजस्थान की मुख्यमंत्री हैं उनके पिताजी जो थे महाराजा थे, ठीक है, यह प्रश्न भी आया था। अगला प्रश्न आया था, क्वांटिको में काम करने वाली भारतीय अभिनेत्री का नाम? प्रियंका चोपड़ा जो है क्वांटिको में काम करने वाली भारतीय अभिनेत्री है, यह नाम पूछा गया था। अगला प्रश्न पूछा गया था, रॉ के चीफ कौन है? अनिल कुमार धमाना रॉ के चीफ नियुक्त किए गए हैं, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे और आप इन्हीं के बेस पे तैयारी करते रहें और अच्छे से तैयारी करें ताकि अच्छे से आप एग्ज़ाम में स्कोर कर सकें। हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।